क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। That it is not even a manifesto. The title page calls it Modi ki guarantee. Now, Modi ki guarantee cannot be the manifesto of a political party. मुझे बड़ा दुख है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जनसभाओं में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं। होना ये चाहिए था, आपको 10 साल का अपना हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी। पीएम मोदी के इस बयान ने देश से लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ा दी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं आपके साथ बालकृष्ण। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी के बार बार आ रहे बयानों से सियासी बवाल मच गया है। पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया है कि विपक्षी पार्टी और इंडिया ब्लॉक की नज़र लोगों की कमाई और संपत्ति पर है। उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि कांग्रेस सरकार देश की संपत्ति को घुसपैठियों और अधिक बच्चे पैदा करने वालों में बांट देगी। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस का आशय मुसलमानों से है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस भाजपा और पीएम मोदी पर हमलावर है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को एक बार कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ लेना चाहिए और ऐसे आधारहीन बयान नहीं देने चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी शिमला में मोदी और भाजपा पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। Ask him to point out one paragraph in the manifesto which will lead to the conclusion that we're appeasing any section. We recognize that there is social divisions in this country. There is social inequality in this country, economic inequality in this country. The most affected people are the scheduled castes, the scheduled tribes, the poor, irrespective of religion. That means poor Hindus, poor Muslims, poor Christians, poor Sikhs. And we are saying that we will bring justice to every section of the people. PM Modi ke bayan par Congress ne sakht aapatti darj ki hai aur kaha hai ki Manmohan Singh ke bayan ko galat tarike se pesh kiya gaya hai. Aap ek bar PM Modi ke wo bayan suniye jis par bawal macha hua hai. Kya aapki mehnat ki kamai ka paisa ghuspaithiyon ko diya jayega? Aapko manzoor hai ye? Ye Congress ka manifesto keh raha hai. माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। पीएम मोदी और भाजपा के इन बयानों पर पलटवार खुद मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी किया है। नरेश चौहान का कहना है कि पीएम मोदी भाजपा के कार्यों को ना बताकर देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। किसानों के लिए न्याय, आप पढ़िए उस मैनिफेस्टो को, आप लोग खुद भी देखिए। ये एक देश के अंदर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, हमें बड़ा दुख है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जनसभाओं में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं। होना ये चाहिए था, आपको 10 साल का अपना हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए। देश किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगा, वो मुद्दे होने चाहिए थे। देश के विकास के, युवाओं को रोजगार के मुद्दे होने चाहिए थे। आप 10 साल बाद चुनाव को भटकाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी और इनकी टीम इस बात को जानती है कि इस बार एंटी इनकमेंसी फेल कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं और इनका जो नंबर है बहुत नीचे आने वाला है। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला था।
उन्होंने साफ कहा था कि कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो के जारी होने के बाद रुझान आने लगे हैं। पहले चरण में मतदान के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर गिर गया है और वो घबरा कर जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। खैर कुछ भी हो, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों आमने सामने हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनावों में जनता किसके घोषणा पत्र पर भरोसा करती है। दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।